हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप बोट की स्मार्ट वॉचेज में कैसे कॉलिंग कर सकते हो। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड कर देता हूं कि आपको कॉलिंग कैसे करनी है। तो आपको सबसे पहले अपने फ़ोन में ब्लूटूथ और लोकेशन ऑन करना है, और जो भी आपकी वॉच में ऐप है, जैसे कि बोट, अब मैं आपको बता देता हूँ इस वॉच का ऐप। तो इस वॉच का ऐप है बोट वेयरेबल। तो आपका कोई भी बोट का जो ऐप है, आपको उससे पहले कनेक्ट करना है अपनी वॉच को, और आपको ये सब चीज़ों की एक्सेस देनी है। मेरे पास है बोट वेव एच, तो मेरे पास बोट वेव एच स्मार्ट वॉच है। मैं नोटिफिकेशंस के लिए अलाउ कर रहा हूँ। अब यहाँ से हमें वॉच सिलेक्ट करनी पड़ती है, तो यहाँ मैंने वेव एच को सिलेक्ट कर लिया है, और अब मैं इसको सेटअप पे क्लिक करूँगा। मैंने टर्म्स एंड कंडीशंस को एग्री कर लिया है। अब आप देखोगे तो वॉच फाइंड होगी, तो अब मैं एच वॉच से पेयर करूँगा। तो आप देख सकते हो कि ऐप से वॉच पेयर हो रही है। तो इसे पैर होने के लिए कुछ सेकंड्स लगते हैं। तो आप देख सकते हो कि वॉच कनेक्ट हो चुकी है। मैं ऐसे सब स्किप कर दूंगा, आपको फिल करना तो आप कर सकते हो। अब आपको सबसे पहले तो यहाँ स्टेप्स दिखेंगे, और जैसी वॉच जब पैर होती है ना, तो वॉच में से भी आवाज आएगी और फोन में से भी आवाज आएगी कि वॉच पैर हो चुकी है। यहाँ आपको स्टेप्स देखने मिलेंगे। यहाँ से आप अपनी हार्ट रेट, स्टेप्स, कैलोरीज ये सब चेक कर सकते हो, और यहाँ आप एक्टिविटीज देख सकते हो। और अब मैं आपको बताता हूँ, तो आप देख सकते हो कि आप वॉच कनेक्टेड है, फिर भी आप वॉच को फाइंड कर सकते हो ये चेक करने के लिए कि वॉच कनेक्ट हुई कि नहीं। तो वॉच में से भी मेरे को आवाज़ आ रही है, जिसका मतलब वॉच पूरी तरीके से कनेक्ट हो चुकी है। पर गाइस, कॉलिंग के लिए ये पूरी तरीके से कनेक्ट नहीं हुई है, ऐप से कनेक्ट हुई है। कॉलिंग के लिए एक और प्रोसीजर होता है, तो मैं आपको बता देता हूँ। तो आप देखोगे तो आपको ये स्मार्ट वॉच में आपको यहाँ नीचे स्पीकर देखने मिलेगा, और यहाँ माइक्रोफोन है इसका। तो जब आप कॉलिंग करते हो तो वॉच के स्पीकर में से आवाज़ आती है। तो अब आपको आप देखोगे तो यहाँ ब्लूटूथ कॉलिंग की सेटिंग्स हैं। अब यहाँ आप जैसे कॉन्टैक्ट सिंथेसिस पे जाओगे, तो यहाँ से आप ऐड कॉन्टैक्ट पर क्लिक करोगे तो आप कोई भी कॉन्टैक्ट ऐड कर सकते हो। तो मैं एक कॉन्टैक्ट ऐड कर रहा हूँ, तो अब आप देख सकते हो कि यहाँ मैंने एक कॉन्टैक्ट ऐड कर लिया है। तो आप कोई भी कॉन्टैक्ट ऐड कर सकते हो, पर अब हमें वॉच से कनेक्ट करने के लिए वापस फ़ोन के ब्लूटूथ में जाना है। तो अब आप देखोगे तो यहाँ आपको एक और पेयरिंग का ऑप्शन आएगा, जो है ब्लूटूथ एच बी टी। एच का ब्लूटूथ है ये। तो अब वॉच जो है वो कॉलिंग के लिए कनेक्ट हुई है। तो आपको ब्लूटूथ में जाके एच जो भी आपकी वॉच उसके उसको ब्लूटूथ से कनेक्ट करना है। जैसे ये वॉच का नाम है बोट वेव एच, तो आप देखोगे तो ये एच ब्लूटूथ लिख के आ चुका है, ये वॉच कनेक्ट हो चुकी है। तो अब मैं दूसरे फोन से कॉल लगा के आपको दिखा देता हूँ। तो आप देख सकते हो कि मैंने इसे कॉल लगा दिया है, और ये फोन में भी कॉल आ चुकी है और वॉच में भी कॉल आ रही है। तो आपको वॉच के स्पीकर में से आवाज आ रही होगी, तो अब आपको आवाज़ आ रही होगी सिर्फ वॉच के स्पीकर में से। मैंने फ़ोन को साइलेंट कर दिया है, तो वॉच वाइब्रेट हो रही कंटिन्यू, और वॉच के स्पीकर में से आवाज़ आ रही है। अब मैं कॉल रिसीव कर लूँगा, तो अब आप बात कर सकते हो। सिर्फ वॉच से आपको फ़ोन की कोई ज़रूरत नहीं है, और दूसरे फ़ोन में मेरी पूरी आवाज़ आ रही है क्योंकि वॉच में माइक्रोफोन है। और यहाँ से आप वॉच को म्यूट कर सकते हो, ताकि आप कॉल फ़ोन से भी बात कर सको। और आप ये इसको दबाओगे तो डायरेक्ट आपका कॉल स्विच हो जाएगा, और यहाँ से आप इंक्रीज भी कर सकते हो वॉल्यूम। तो आप देखोगे तो फ़ोन में भी इंक्रीज हो चुकी है वॉल्यूम, और आप कॉल को रिजेक्ट भी कर सकते हो। अब मैं आपको इसके एक दो और फीचर दिखा देता हूँ। अभी आप फोन में जाओगे वॉच में, और अगर आपने यहाँ डायल किया, तो अगर मैं किसी को भी सपोज मैं एक रैंडम कॉल लगा रहा हूँ, तो अब मैं यहाँ से क्लिक करूँगा, तो आप देखोगे तो यहाँ कॉल लगती है। मतलब आप सिर्फ वॉच से भी डायरेक्ट कॉल लगा सकते हो। कॉन्टैक्ट में जाओगे तो आपको कॉन्टैक्ट दिखेंगे, तो कॉन्टैक्ट में आपको वही कॉन्टैक्ट दिखेंगे जो आपने ऐड किए, जैसे कि मैंने ये कॉन्टैक्ट ऐड किया था। तो जो रिसेंट कॉल्स होते हैं वो पूरे वॉच में आ जाते हैं फ़ोन से। तो गाइज़, आप ऐसी ही अपनी वॉच में कॉलिंग कर सकते हो। तो गाइज़, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो लेटेस्ट नोटिफिकेशंस के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Please subscribe to my channel, press the bell icon for latest notifications. Thank you.